हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 31 से 32 बस साइज़ में बैक नेक की डीपनेस के हिसाब से, पीछे का गला जो हमारा है उसकी डीपनेस के हिसाब से, तीरा, आर्म होल, नेक विड्थ और फ्रंट कितना रखेंगे इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमारा पीछे का गला 1 से 4 इंच तक डीप है तो उसमें हम तीरा कितना रखेंगे। यह हमारा तीरा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम जो तीरा रखेंगे वो रखेंगे हम 13.5 इंच। इसके बाद दोस्तों, अगर हमारा गला 5 से 6 इंच तक डीप है बैक गला, तो जो उसमें हमारा जो तीरा आएगा, ये हमारा तीरा है, ये आएगा 11.5 इंच। ये टोटल हमारा 11.5 इंच पे आएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारा पीछे का गला 7 से 8 इंच तक डीप है तो यहाँ पे जो हमारा तीरा आएगा वो आएगा 11 इंच पे आएगा। ये हमारा टोटल तीरा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अगर हमारा गला 9 से 10 इंच तक डीप है तो यहाँ पे जो हम तीरा रखेंगे, टोटल तीरा, वो रखेंगे हम 10.5 इंच पे। तो दोस्तों, ये हमारा 1 से 4 इंच, 5 से 6 और 7 से 8, 9 से 10 इंच तक तीरा हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हमारे आर्म होल। यहाँ से यहाँ तक ये आप देख रहे हो, इसे हम आर्म होल कहते हैं, मोड्डा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम आर्म होल जो रखेंगे, 1 से 4 इंच तक अगर हमारा गला, बैक का गला डीप है तो यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंच आर्म होल रखेंगे। अगर हमारा गला 5 से 6 इंच तक डीप है तो यहाँ पे आर्म होल हमारा आएगा 6 इंच पे। और हमारे 7 से 8 इंच तक गला डीप, उसमें भी हमारा जो आर्म होल रहेगा वो 6 इंच ही रहेगा। और 9 से 10 इंच गले पे डीपनेस पे भी हमारा जो आर्म है वो सेम 6 इंच ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा गले की चौड़ाई, नेक विड्थ, जो हमारे गले की चौड़ाई हम रखेंगे वो, अगर हमारा गला 1 से 4 इंच तक डीप है तो हम यहाँ पे 5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। और यहाँ पे 5 से 6 इंच पे भी हमारा 5 इंच ही चौड़ाई इस पर रखेंगे। आप चाहें तो इसको 5.25 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 इंच पे हमारा ज़्यादा सही रहेगा। अगर हमारा गला पीछे से 7 से 8 इंच डीप है, उसमें भी जो हम गले की जो चौड़ाई लेंगे वो 5 इंच ही लेंगे। अगर हमारा गला 9 से 10 इंच तक डीप है तो यहाँ पे हम जो गले की चौड़ाई है उसको हल्का से कम कर लेंगे, यहाँ रहेगी हमारी 4.75, यानी कि 4.25 इंच पर रखेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारे आता है फ्रंट। यह हमारा फ्रंट का हिस्सा है सामने का, तो हमारा फ्रंट जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 1 से 4 इंच, अगर हमारा गला है तो 11 इंच रहेगा। इसमें दोस्तों सेम हमारा गले की डीपनेस जो भी हो, हमारा जो फ्रंट है वो मैक्सिमम बराबर ही रहेगा 11 इंच पे। तो इस तरह से दोस्तों, हमारा 31 से 32 साइज़ के लिए यह चार्ट बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हो। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। परफेक्ट फिटिंग के लिए इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपके कुर्ते की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।